जबलपुर में डिस्पेंसरी वहीं रहेगी, वहीं रहेगी, वहीं रहेगी। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, जा पाते तो वहाँ पर इलाज करते, बच्चे हट जा रही है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा साहब। विगत कई वर्षों कई सालों से बहुत पुरानी डिस्पेंसरी जो गोरखपुर स्थित दुर्गा मंदिर के पास थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य मंत्री के द्वारा एक साजिश के तहत उसको हटाकर अपने क्षेत्र में खुलवाने का निर्णय ले रहे हैं। ये बहुत ही अनुचित है और गलत है, क्योंकि एक वो डिस्पेंसरी है जिसमें पोलीपाथर, शंकरसा, रामनगर, रामपुर क्षेत्र की जितनी भी गरीब जनता है उस डिस्पेंसरी पर आकर अपना इलाज करवाती है। मेरे ख्याल से एक मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग का आना जाना रहता है और वो जो डिस्पेंसरी बनी वह स्थिति बनी है वहाँ पर, लेकिन राज्य मंत्रियों और वहाँ के भाजपा के कुछ दलालों के द्वारा उस डिस्पेंसरी को हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, जो गरीब के साथ अन्याय है। यहाँ एक तरफी सरकार कहती है कि गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उन्हें पूरी शिक्षा दी जाएगी, उन्हें पूरी जन सुविधाएँ दी जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाएंगी, उसके बाद इतना बड़ा घोर अन्याय जो गरीबों के साथ हो रहा है। एक शासकीय जो छोटी डिस्पेंसरी है जो गोरखपुर में स्थित है उसको हटाकर शांति नगर में स्थापित किया जा रहा है, इसके लिए युवा कांग्रेस विरोध करती है एवं अगर वहाँ पर डिस्पेंसरी हटाई जाती है तो युवा कांग्रेस द्वारा उग्र उग्र आंदोलन करके शरद जैन का पुतला दहन किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज हमने संभागीय कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी है कि अगर हमारे इधर दो दिन के अंदर इस मांग को पूरा नहीं किया गया या इस पर कोई भी कार्रवाई करते हैं अगर अपने डिस्पेंसरी हटाने के लिए तो युवा कांग्रेस वहां पर खड़ा होकर उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।